नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 11। मैं राजकुमार मिश्रा। खबर रीवा के गोविंदगढ़ से, जहां एक दिल को दहला देने वाला मामला आया सामने। देवर ने भाभी सहित परिवार को उतारा मौत के घाट। जी हां, हम आपको बता दें, मिली जानकारी के अनुसार गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र में मुस्लिम परिवार में सहवाग खान नामक व्यक्ति ने अपनी सगी भाभी सहित दो भतीजियों को मौत के घाट उतार दिया। क्या है वार्ड क्रमांक 3 में एक हसीना अपने बच्चों के साथ रहती थी। उस घर में उसके जेठ जो उसके पति हैं वो बाहर मजदूरी करते हैं और घर में उसके सास ससुर और एक देवर था जो अपनी माँ के साथ मतलब सास के साथ में वो जबलपुर गया हुआ शादी में। और जो छोटा वाला भाई है उसका, जिसका सहबाज नाम है, वो घर पे अकेले था अपनी और उसकी भाभी थी हसीना। इनका कुछ आपस में विवाद हुआ और उस विवाद को लेकर के उसने जो है स्टील की राड से उसके सर पे वार किया, जिससे वो गिर गई और चाकू से गर्दन को चोट पहुंचाई, जिससे उसकी ख़त्म हो गई। और डर के मारे, क्योंकि वो बच्ची जो उनके दो बच्चे थे, तो बड़ी बच्ची रोने लगी तो उसको भी उसने मार दिया और एक छोटी और बच्ची थी उसे भी मार दिया। दोनों को मार करके और बोरे में रख करके उसने गोविंदगढ़ तालाब में उसको फेंक दिया है। आरोपी को पुलिस ने अपने हिरासत में ले लिया है और पूछताछ उससे चल रही है। लाश घटनास्थल पर सभी FSL और वरिष्ठ अधिकारी पहुँच गए थे। अभी जो लाश उसने फेंकी है गोविंदगढ़ में, उसकी तलाश की जा रही है। SDRF और अन्य जो है गोताखोर जो स्थानीय है।